तो आज हम लोग जा रहे हैं पेड़ लगाने। तो देख लीजिए, इसमें इस चमकील में पेड़ ले लिए हैं, छोटा सा पौधा है, और जो कि हम आपको दिखा रहे हैं अभी, जाइए तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसको लगाना है उधर सड़क किनारे। और देखिए आप लोग, हम इसमें पानी ले लिए हैं जो दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए इसमें पानी ले लिए हैं, जिसमें एक बोतल पानी है और इसका ढक्कन नहीं है। तो देखिए चमकील से इसको बांध लिए हैं, थोड़ा दूर ही तो जाना है, चला जाएगा अच्छे से ले जाएंगे तो हम अपना पेड़ लगाने का सामग्री ले लिए हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम। चलो और नाव चलो। तो अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों, और आप लोग देख सकते हैं कहीं भी जगह इतना चौला नहीं है जो कि यहाँ पर ही रुक जाइए, हम आपको दिखाते हैं पूरा जगह, यहाँ का एरिया पूरा लोग देख सकते हैं इसका एरिया कितना, मैंने इतना चौला है जो कि देख सकते हैं आप लोग। बाकी उधर देखिए रोड साइड पतला पतला है जगह जो कि नहीं लग पाएगा अच्छे से, आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट वहाँ पर हमको कुछ नहीं अच्छा लगा दोस्तों, इसीलिए अब हम आगे थोड़ा सा जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे हमको अच्छा जगह मिले कि वहाँ पर हम लगा सके। चलिए मिलता है तो हम आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पर अच्छा बुझा रहा है, वहाँ से अच्छा यहाँ पर बुझा रहा है, और यहाँ पर एक पेड़ भी है, महुआ के पेड़ है, यहीं पर सोच रहे हैं कि लगाए। देख सकते हैं आप लोग ये पेड़ सीधा ऊपर दिखा गया है, और इतना स्पेस खाली है, तो यहीं पर सोच रहे हैं लगाने के लिए। बज रहा है और कुछ छोटा छोटा पत्थर भी निकल रहा है, इसीलिए काफी समय हो रहा लग रहा है मिट्टी फोड़ने में। देख सकते हैं अंदर पत्थर है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग इतना बड़ा बड़ा पत्थर बन रहा है, इसीलिए काफी समय लग रहा है। यहाँ पर भी है पत्थर है। इसको लगा दे रहे हैं यहाँ पे, थैंक यू। वो खेलने गिर रहा है, गिर रहा है मोती दी गिर रहा है, देखिए गिर रहा है। बदमाश नहीं बेटा।
फाइनली मेरा पेड़ लगाने का काम हो गया पूरा। और अब हम जा रहे हैं घर। हम लोग चलिए यहाँ के हम आपको नज़ारा दिखाते हैं, काफ़ी सुंदर है और बरसात के दिन में है तो पूरा हरा भरा है। अभी तो देखिए बरसात का दिन है और पूरा पोखरा भरा हुआ है यहाँ का, तालाब जिसे बोलते हैं गांव में। इस आम का पेड़ है जो कि पूरा बरसात के दिन है तो हरा भरा है। देखिए यहाँ पर पीपल के पेड़ है और इधर